सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 2019 में आया था मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज। चार ऑप्शन दिया हुआ है 30 बाय 37, 37 बाय 30, 15 बाय 37 और 15 बाय 30। सो सॉल्व कैसे करेंगे, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो उतारते हैं 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 डिवाइडेड बाई, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ठीक है। तो यहाँ 4 है और नीचे 3 है तो क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 2 टू या 4 3, 2 1 3, 3 1 1, 2 टू या 4 3 या 12, 4 3 या 12, 3 3 या 9, यहाँ माइनस है 3 4 या 12, 4 इंटू 1 4। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, नीचे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो 3 4 या 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस करेंगे तो 3 इंटू 3 इधर 9 हो गया और 4 इंटू 1 4 हो गया यहाँ पे ठीक है। तो ये टेक्निक भी बहुत शॉर्टकट में कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही यूजफुल है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हुआ 9 माइनस 4 कितना हुआ 5 और 12। ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया अंदर में ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 बाई 2, अब हाँ अब हम क्या करेंगे 1 बाई 2 1 बाई 3 प्लस में है फिर प्लस 1 बाई 6 डिवाइड बाई 5 बाई 12। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे पहले कि डिवाइड करेंगे पहले। अब याद कीजिए बोडमास, बोडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट पहले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ऑफ, ऑफ नहीं है डिवीजन, डिवीजन पहले करेंगे राइट। तो ये पहले करेंगे तो 1 बाई 2 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, हमेशा ध्यान रखना है डिवाइड के बाद 5 बाई 12 है तो अगर हम इनटू लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 12 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा ठीक है। ये आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 बाई 6 इंटू 12 बाई 5 है ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 6 1 जै 6, 6 2 जै 12, तो ऊपर बचा 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हुआ 1 इंटू 2 हुआ कि 2 और नीचे क्या हुआ 5 इंटू 1 5 ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ सब प्लस है तो नीचे के एलसीएम निकाल लेंगे 2 3 और 5 के एलसीएम कितना होगा 3 और 6 इंटू 5 30, 2 3 5 के एलसीएम 30 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं 2 3 5 एलसीएम निकालिए 2 1 2 3 यहाँ उतर जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं 5 भी उतर जाएगा फिर 3 1 3 5 उतर जाएगा क्योंकि 3 के 5 नहीं जा रहा है फिर 5 1 1 1 2 3 6 5 30 30 आ रहा है ठीक है। यहाँ भी 30 लिख दिए, अब इसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में 30 आ गया, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा 2 15 या 30 राइट। तो 15 इंटू 1 15 यहाँ प्लस है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 10 ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 10 इंटू 1 10 यहाँ प्लस है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 5 से 30, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा 6 से, 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 ठीक है। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या आया 15 प्लस 10 प्लस 12 कितना हुआ 15 10 25 और 12 37, 37 और नीचे 30 राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 1, अब यहाँ देखिए यहाँ डिवाइड है, अगर इसको इंटू कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा 37 नीचे आ जाएगा राइट। तो ये हो गया 30 इंटू 1 30 और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 37, ये आंसर हुआ। तो 30 बाई 37 कौन सा आंसर है,
30 बाय 37 इज ए। तो हमारा आंसर जो है इज आंसर। अगले सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सैनिक स्कूल का एग्जाम में आया है। थैंक यू।